दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी तरह का मामला हमने एक मुंबई की ट्रेन में भी देखा था, जिस बुजुर्ग के ऊपर ट्रेन के अंदर खाने को लेकर एक बवाल हुआ। उस बुजुर्ग शख्स को चरमपंथी लोगों ने मारा पीटा और हमने ये देखा उस केस के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी, उनको उसी वक्त बेल दे दी गई। लेकिन हमारे और आपके आवाज़ उठाने से उस केस में उन लोगों को दोबारा से गिरफ्तार किया गया। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बुजुर्ग के ऊपर ये चरमपंथी लोग, मैं तो इनको कहूंगा ये नामर्द हैं। ये नामर्द लोग बड़े बूढ़े बुजुर्गों को रास्ते में अकेले देखकर उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। दोस्तों आए दिन ऐसी घटना हिंदुस्तान के अंदर घटती जा रही है। इसकी एक वजह यही है कि हमने और आपने आवाज उठाना बंद कर दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेन करी जाए, अगर हमारी कंप्लेंट ना ली जाए तो DCP, ACP, इस देश के अंदर ये कानून है कि आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। अगर कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट नहीं लेता तो उसकी शिकायत करिए और उससे ऊपर के अधिकारियों को आप लिखित में दीजिए कि हमारी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। दोस्तों अगर हम पीछे रहेंगे तो ऐसी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं हिंदुस्तान में लगातार होती रहेंगी। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को इसी तरह से सताया जाएगा। मेरी आपसे अपील है कि हमें ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये जो चमन चिंटू हैं हमारे देश के अंदर, जो एक बड़े बूढ़े पर हाथ उठा रहे हैं, इनके घर में क्या बड़े बूढ़े नहीं हैं? इनको नहीं समझ में आता कि बड़े बूढ़ों का लिहाज किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों हम सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये जहाँ का भी केस है वहाँ की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले, ताकि ऐसे मामले दोबारा से देखने को ना मिले। दोस्तों हमारे इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।